हेलो एवरीवन <coughs> इस वीडियो में हम लोग करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है नाइन्थ क्लास में ये टॉपिक है नाइन्थ क्लास का चैप्टर वन का सो so, सबसे पहले हम लोग लेते हैं डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ ठीक है तो प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें तो प्लांट सेल जनरली लार्ज होता है साइज़ में ठीक है यानी कि एनिमल सेल यूजली दे आर स्मॉलर एंड प्लांट सेल दे आर यूजअली लार्जर ठीक है उसके बाद आते हैं सेल वॉल पे जो प्लांट सेल होते हैं उनकी एक डेफिनाइट सेल वॉल होती है जो कि बनी है किससे सेल्यूलोस से सो दे हैव अ डेफिनाइट सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्युलस एंड एनिमल सेल के साथ ऐसा है कि दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल ठीक है उनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती क्योंकि सेल्यूलोज और आपको पता ही है कि जो सेल वॉल है प्लांट सेल में वो उनको प्रोटेक्ट करती है लेकिन एनिमल सेल बिकॉज दे कैन प्रोटेक्ट देम सेल्फ वो मूवमेंट कर सकते हैं इसीलिए उनको सेल वॉल की जरूरत नहीं होती है देन साइटोप्लाज्मा की बात करते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्मा बहुत डेंस नहीं होता है ठीक है डेंस मतलब कोई चीज़ अगर आप लेके चलो ना कि जैसे सपोज किसी चीज़ के अंदर जैसे घनत्व जिसे कहना चाहिए वैसे अगर हम नॉर्मल लेके चलें

प्लाज्मा प्लांट सेल में होता पूरे में ऑब्वियसली सारे ऑर्गेनल्स उसके अंदर होते हैं लेकिन तब भी मोस्टली पेरिफेरी की तरफ आपको ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि बाकी सारी चीजें बहुत स्पेस ले लेती हैं उसके अंदर लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें साइटोप्लाज्मा पूरे सेल को कवर कर लेता इट फिल् ऑलमोस्ट द एंटायर सेल देन प्लास्टिड की बात करते हैं प्लास्टिड यूजुअली ठीक है है प्लास्टिड प्रेजेंट होता प्लांट सेल के अंदर एनिमल सेल में प्लास्टिड का कोई काम नहीं होता बिकॉज आपको पता है प्लास्टिड का काम यहाँ पर क्या है इट इज रिलेटेड टू द क्लोरोफिल एंड अदर थिंग्स वो हमें एनिमल सेल में जरूरत नहीं होती सेंट्रोजोम की बात करते हैं सेंट्रोजोम इज एबसेंट इन द्लांट सेल बट इट इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल ठीक है एंड विक्योअल्स की बात करते हैं विक्योल्स के बेसिस पे एक मेजर डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में जो विक्योल होता है काफ़ी बड़ा होता है एंड काफ़ी अच्छे से आप उसको स्पॉट कर सकते हो इट इज़ वेरी लार्ज एंड इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट यानी यू कैन स्पॉट इट वेरी यू नो केयरफुल आप आराम से उसको स्पॉट कर लोगे लेकिन अगर हम एनिमल सेल के विक्योल्स की बात करें तो बहुत छोटे छोटे विक्योल्स हैं एंड ये क्या करते हैं ना या तो बहुत छोटे हैं या कई बार नहीं भी दिखते दूसरे इनका जो कंसर्न है इनका जो काम है वो एक्सक्रीशन और सिक्रीशन से थोड़ा बहुत रिलेटेड है बट ये प्लांट सेल की तरह इतने बड़े और ऐसे यू नो विजिबली एकदम दिखने वाले विक्योअल नहीं होते हैं सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल नाइन्थ सी एस सी में ऑल दो ये आपका एन में भी है अलग अलग क्लासेज में आपको सेम टॉपिक पढ़ाया जाता है तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एंड बाकी सारी वीडियो आपको नाइन्थ आई की प्ले में मिल जाएंगी एट्थ की सारी सॉरी वीडियोज आपको एटथ की साइंस की प्ले में मिल जाएंगी मैं मोस्टली साइंस और एसएसटी पे वीडियो बनाती हूँ जो सारी की सारी आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पर जाके मिल जाएंगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है कुछ भी समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच